वेस्ट इंडीज एंड बांग्लादेश के बीच में जो सेकेंड वनडे इंटरनेशनल मुकाबला आज शाम को 7 बजे से खेला जाएगा, कहाँ पे? प्रोविडेंस स्टेडियम गुआना में। अच्छा, सबसे पहले इस मैच का फाइनल अपडेट आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएंगे, एकदम ऊपर वाला जो प्रिंट कमेंट होगा ना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप जाके बिल्कुल जुड़ सकते हैं उस लिंक से, ठीक है। बाकी इस जो वेन्यू है ना, इस वेन्यू पे 22 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले गए हैं, जहाँ पे एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट करते हुए 225 का रहा है एंड सेकेंड इनिंग में 199 का रहा है, ठीक है। जो 22 मैचेस खेले गए हैं वहाँ पे 13 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम जीता है एंड सिर्फ 9 बार बैटिंग सेकेंड करने वाला टीम जीता है, ठीक है। अब इस वेन्यू पे दोनों टीम का परफॉर्मेंसेस देखेंगे, तो वेस्ट इंडीज़ का ये होम ग्राउंड है, तो वेस्ट इंडीज़ इस वेन्यू पे ज़्यादा वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, 16 मैचेस खेले हैं, उनमें से 7 जीते हैं सिर्फ और 9 बार हारे हैं, तो इनका हारने का रेशियो इस वेन्यू पे ज़्यादा है। बाकी बांग्लादेश इस वेन्यू पे 4 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं और 1 हारे हैं, तो बांग्लादेश का रिकॉर्ड इस वेन्यू पे वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है। रीसेंट मैचेस देखेंगे, जो फर्स्ट ODI खेला गया था वो भी इसी वेन्यू पे खेला गया था, 149/9 किया था वेस्ट इंडीज़ बैटिंग फर्स्ट करते हुए, जहाँ पे उनका टॉप ऑर्डर कुछ खास नहीं चला था, एंड 151/4 करके बांग्लादेश जीत गया था। थोड़ा सा बारिश के कारण मैच छोटा हो गया था एंड आज भी शायद आपको थोड़ा सा छोटा मैच ही देखने को मिले, पूरे 100 ओवर शायद ना हो, क्योंकि आज भी थोड़ा बहुत बारिश के चांसेस है, ठीक है। पेसर्स 5 विकेट निकाले थे, स्पिनर 6 विकेट। उसके पहले 2018 में जो मैच खेला गया था वेस्ट इंडीज़ एंड बांग्लादेश के बीच में ही 271 पे ऑल आउट हो गए थे, यहाँ पे बांग्लादेश एंड 268/6 करके वेस्ट इंडीज़ जीत गए थे। यहाँ पे पेसर्स 9 विकेट एंड स्पिनर 6 विकेट निकाले थे। बांग्लादेश एंड वेस्ट इंडीज़ के बीच में और एक मैच देखेंगे, 279/4 बांग्लादेश किया था एंड वेस्ट इंडीज़ चेज नहीं कर पाए थे, पेसर्स 9 विकेट तो स्पिनर 3 विकेट निकाले थे। तो पिछले 3 मैच में ना पेसर्स ने थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेट किए हैं, हालांकि लास्ट मैच जो देखा गया था वहाँ पे पेसर्स एंड स्पिनर्स का लगभग इक्वल रोल रहा था, ठीक है। ठीक ऐसे ही 2017 में वेस्ट इंडीज़ एंड पाकिस्तान के बीच में एक मैच खेला गया था, 2017 को ये वाला जो मैच खेला गया था काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोरिंग रहा था पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज़ के बीच में, जहाँ पे टारगेट चेज भी हुआ था। यहाँ पे स्पिनर्स ने डोमिनेट किए थे दोनों ही इनिंग में पेसर्स के मुकाबले। ऐसे ही टोटल लास्ट 10 से 11 मैचेस उठा के देखेंगे जो कि इस वेन्यू पे खेला गया है ना वनडे इंटरनेशनल का, वहाँ पे पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में टोटल 33 विकेट तो स्पिनर 34 विकेट निकाले हैं, सेकेंड इनिंग में पेसर्स 29 विकेट निकाले हैं तो स्पिनर्स टोटल 27 विकेट निकाले हैं, ओवरऑल 62:61, मतलब इक्वल पेसर्स एंड स्पिनर्स का लगभग रेशियो रहा है, किसी को भी आप ज़्यादा फेवरेट नहीं कह सकते इस वेन्यू पे। उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, काइंडली इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, उसके बगल वाले बेल बटन को प्रेस करके ऑल पे करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों यहाँ पे एक एरो वाला बटन आपको दिखेगा ना, यहाँ पे जाएंगे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आपको हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल का डायरेक्ट लिंक्स देखने को मिल जाएगा। कोशिश कीजिएगा इन ओरिजिनल लिंक्स पे क्लिक करके डायरेक्टली आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ जाए, क्योंकि इस मैच का फाइनल अपडेट एंड बाकी जितने भी डोमेस्टिक मेंस वुमेंस एंड इंटरनेशनल मैचेस शुरू होने वाले हैं उनके फाइनल अपडेट्स वहीं पे आते हैं, तो काइंडली टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ जरूर जाइएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड मैचेस के बारे में, तो इन दोनों टीम्स के बीच में आज तक 40 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले गए हैं, 21 बार वेस्ट इंडीज़ ने तो बांग्लादेश 19 बार जीत हासिल किए हैं। लास्ट 5 मैचेस बाय द वे बांग्लादेश डोमिनेट किए हैं, 5 के 5 मैचेस बांग्लादेश जीते हैं, जहां पे 4 मैचेस तो बांग्लादेश के होम ग्राउंड में ही खेला गया था जहां पे स्पिन ट्रैक होता है, तो वेस्ट इंडीज़ वहां पे खड़ा भी नहीं हो पाया था, ठीक है। ऑन दिस वेन्यू, मतलब इस वेन्यू पे प्रोविडेंस स्टेडियम गुआना में 3 मैचेस खेले गए हैं इन दोनों टीम्स के बीच में वनडे का, जहां पे बांग्लादेश 2 मैचेस जीते हैं और वेस्ट इंडीज़ सिर्फ 1 मैच जीत पाया है।
रीसेंट हेड टू हेड मैचेस जो कि पिछला मैच ही था जो कि इसी वेन्यू पर खेला गया था 10 जुलाई को, यहाँ पे समारा ब्रुक्स 33 किए थे बैटिंग फर्स्ट करते हुए, एंडरसन फिलिप जो कि एक बॉलर है नीचे आके 21 रन का कंट्रीब्यूशन दिए थे, निकोलस पुरन 18 रन किए थे और सरप्राइजिंगली 7 ओवर बॉलिंग किए थे और 1 विकेट निकाले थे, ठीक है, मोटी 1 विकेट निकाले थे, अकील हुसैन 1 विकेट निकाले थे, महमदुल्ला 41 नॉट आउट किए थे, नजमुल हुसैन सांतो नंबर 3 पे आके 37 किए थे बांग्लादेश की तरफ से, तमीम इकबाल ओपनिंग में 33 किए थे तो नूरुल हसन 20 नॉट आउट किए थे, शोरीफुल इस्लाम पिक ऑफ द बॉलर्स रहे थे, 4 विकेट निकाले थे, मेहदी हसन मिराज 3 विकेट निकाले थे एंड मुस्तफिजुर रहमान 1 विकेट निकाले थे बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, ठीक है। इसके पहले पिछले साल 25 जनवरी को इन दोनों टीम्स के बीच में एक हेड टू हेड वनडे इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया था, बांग्लादेश जीत गए थे बैटिंग फर्स्ट करते हुए, 297 फॉर 6 किए थे और बिल्कुल नहीं चले थे वेस्ट इंडीज़ का बैटिंग, ठीक है। तमीम इकबाल बैटिंग फर्स्ट करते हुए 64 किए थे, महमदुल्ला का नाम आपको फिर से दिखेगा 64 नॉट आउट, नजमुल हुसैन सांतो 20 रन किए थे, मुस्तफिजुर रहमान 2 विकेट, मेहदी हसन मिराज का नाम आपको फिर से दिखेगा, तस्किन अहमद 1 विकेट, रोवमन पावल 47 किए थे, अलजाडी जोसेफ बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 2 विकेट निकाले थे, कायल मायर्स का 1 विकेट रहा था। उसके पहले 22 जनवरी को एक मैच खेला गया, यहाँ पे बांग्लादेश चेस करते हुए जीते थे, वेस्ट इंडीज को सिर्फ 148 पे ऑल आउट कर दिए थे, रोवमन पावल का नाम आपको फिर से दिखेगा यहाँ पे भी, अकील हुसैन 1 विकेट, तमीम इकबाल का नाम आपको फिर से दिखेगा, लिटन दास 22 रन के साथ कंट्रीब्यूशन दिए थे, मेहदी हसन मिराज का नाम आपको बार बार दिखेगा 4 विकेट के साथ, मुस्तफिजुर रहमान 2 विकेट बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, ठीक है। उसके पहले 20 जनवरी को खेला गया था, यहाँ पे भी वेस्ट इंडीज़ को सिर्फ 122 पे ही ऑल आउट करके खुद जीत गए थे बांग्लादेश, कायल मायर्स 40 किए थे, रोवमन पावल का नाम आपको फिर से दिख रहा है, अकील हुसैन सेकेंड इनिंग में 3 विकेट निकाले थे, तमीम इकबाल सेकेंड इनिंग में 44 किए थे, मुस्तफिजुर रहमान बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 2 विकेट और मेहदी हसन मिराज का 1 विकेट रहा था, ठीक है। उसके पहले 17 जून 2019 को एक मैच खेला गया था, यहाँ पे बांग्लादेश फिर से चेस करते हुए जीता था, काफ़ी लंबा चौड़ा टारगेट था, शे होप 96 किए थे बैटिंग फर्स्ट करते हुए, निकोलस पुरन 25 रन, लिटन दास 94 किए थे टॉप ऑर्डर में एंड तमीम इकबाल ओपनिंग करते हुए 48, ये देखिए मुस्तफिजुर रहमान का बॉलिंग फर्स्ट करते हुए फिर से 3 विकेट रहा है, ठीक है। अब इस सेक्शन में हम बात करेंगे कौन से प्लेयर को बैटिंग फर्स्ट करते हुए हमें लेना चाहिए, कौन से प्लेयर को बैटिंग सेकंड मतलब चेजिंग करते हुए लेना चाहिए, कौन से प्लेयर बैट फर्स्ट करते हुए ज़्यादा अच्छा करता है, कौन से प्लेयर सेकंड बैटिंग में जनरली ज़्यादा अच्छा करता है उनके कैरियर में। अब 2014 के बाद ये जितने पारी खेले हैं वनडे इंटरनेशनल का वो मैंने लिखने का कोशिश किया है। निकोलस पुरन लास्ट मैच जो खेले थे 18 रन्स किए थे, 1 विकेट निकाले थे फर्स्ट बैटिंग एंड सेकेंड बॉलिंग करते हुए, ठीक है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग डाले थे, ठीक है। शाई होप फर्स्ट बैटिंग करते हुए 71-25-0 किए हैं रीसेंट के 3 मैचेस में एंड सेकेंड बैटिंग करते हुए 24-15-6, तो फर्स्ट बैटिंग में आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं शे होप को। हेड टू हेड मैचेस में भी हमने देखा कि बैटिंग फर्स्ट करते हुए 196 इनका आया था, ठीक है। शमाडा ब्रुक्स पिछले मैच में ही फर्स्ट बैटिंग करते हुए 33 किए थे, यहाँ पे के कार्टी नहीं खेले हैं अब तक, अकील हुसैन सेकेंड बॉलिंग करते हुए पिछले मैच में 1 विकेट निकाले थे, अलजाड़ी जोसेफ सेकेंड बॉलिंग करते हुए 1 विकेट, फर्स्ट बॉलिंग करते हुए 15 रन 1 विकेट, 29 रन 1 विकेट, तो दोनों ही टाइम पे थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रेंडन किंग सेकेंड बैटिंग करते हुए कुछ रिकॉर्ड नहीं है, फर्स्ट बैटिंग करते हुए सिर्फ 8 रन किए हैं बांग्लादेश के सामने, कायल मायर्स 10 रन किए हैं फर्स्ट बैटिंग करते हुए, हालांकि ये पार्ट टाइम बॉलिंग भी डालते हैं, जी मोटी 1 विकेट निकाले हैं सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए, कीमो पॉल सेकेंड बॉलिंग करते हुए 1 विकेट निकाले हैं, एंडरसन फिलिप फर्स्ट बैटिंग एंड सेकेंड बॉलिंग में कुछ खास नहीं किए हैं, रोवमन पावल बैटिंग फर्स्ट करते हुए इंपॉर्टेंट होंगे 44, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी इनका काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं, सेकेंड बैटिंग में 0 रन बना के आउट हो गए हैं, 1 ही इनिंग खेले हैं। जेडन सेलिस कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, रोमारियो शेफर्ड का भी बैटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड बॉलिंग करते हुए 15 रन एंड 0 विकेट रहा है। बांग्लादेश की तरफ से देखेंगे फर्स्ट बैटिंग करते हुए तमीम इकबाल 130 नॉट आउट किए हैं एंड सेकेंड बैटिंग में 54 एंड 33, तो हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका काफ़ी अच्छा है बोथ बैटिंग फर्स्ट एंड बैटिंग सेकंड, तो तमीम इकबाल को नहीं छोड़ना है, ग्रैंड लीग में सीवीसी भी आप ट्राई कर सकते हैं, मतलब कैप्टन वाइस कैप्टन, ठीक है। नासूम अहमद फर्स्ट बॉलिंग में फ्लॉप गए हैं बट सेकेंड बॉलिंग में बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छे ग्रिप एंड टर्न निकालते हैं एंड लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, ठीक है। तस्किन अहमद फर्स्ट बॉलिंग में कुछ खास नहीं किए हैं, लिटन दास फर्स्ट
बॉलिंग एंड सेकेंड बैटिंग में एक रन किए हैं सिर्फ पिछले मैच में ही। अनामुल हक यहाँ पे देखेंगे सेकेंड बैटिंग में 23 किए हैं, फर्स्ट बैटिंग में कुछ खास नहीं किए हैं, ठीक है। मेहदी हसन मिराज सेकेंड बॉलिंग में 1 विकेट, फर्स्ट बॉलिंग में 1 विकेट और 3 विकेट निकाले हैं। दोनों ही टाइम पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है तमीम इकबाल के तरह, ठीक है। यहाँ पर नूरुल हसन 20 नॉट आउट किए हैं सेकेंड बैटिंग करते हुए, जो कि पिछले मैच में ही किया था। नजमुल हुसैन सांतो सेकेंड बैटिंग में 37 किए हैं नंबर 3 पे आके पिछले मैच में। आफिफ हुसैन नॉर्डन किए थे एंड इबादत हुसैन तो नहीं खेले थे। मुसद्दिक हुसैन कुछ खास नहीं किए हैं। शोरीफुल इस्लाम फर्स्ट बॉलिंग करते हुए पिछले मैच में 4 विकेट निकाले थे एंड मोहम्मदुल्ला जो कि फर्स्ट बैटिंग में 4 नॉट आउट, तो यहाँ पे चांसेस था इनका लंबा इनिंग खेलने का। सेकेंड बैटिंग में 41 नॉट आउट तो 39 हिट टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल मोहम्मदुल्ला को आप ट्राई कर सकते हैं। मुस्तफिजुर रहमान फर्स्ट बॉलिंग करते हुए 2 विकेट 1 विकेट, सेकेंड बॉलिंग में 2 विकेट, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इस सेक्शन में हम बात करेंगे जब दोनों टीम एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं कौन से प्लेयर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं हिस्टोरिकली, चाहे कहाँ पे भी खेले, वो इंग्लैंड में खेले, ऑस्ट्रेलिया में खेले, या फिर बांग्लादेश के अंदर जाके खेले, वेस्ट इंडीज़ के अंदर जाके खेले, कहीं पे भी जाके खेले, जब भी ये दोनों टीम एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं कौन से प्लेयर बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं। वेस्ट इंडीज़ के तरफ से वर्सेस बांग्लादेश शे होप 94 का एवरेज रखते हैं, फोर्थ हाईएस्ट रन स्कोरर हैं, 10 इनिंग में 758 रन कर चुके हैं वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, ठीक है। बाकी रोवमन पावल जैसे कि मैंने आपको बताया 31 का एवरेज रखते हैं, 9 इनिंग में 250 रन कर चुके हैं। कीमो पॉल 5 इनिंग में 5 विकेट निकाल चुके हैं, तो ये 3 गिने चुने परफॉर्मर्स हैं जो बांग्लादेश के अगेंस्ट हमेशा अच्छा करते हैं कहीं पे भी खेले, ठीक है। बाकी बांग्लादेश के तरफ से तमीम इकबाल 41 का एवरेज रखते हैं वेस्ट इंडीज़ के सामने, 29 इनिंग में 1091 रन्स कर चुके हैं। मोहम्मदुल्ला आपको दिखेंगे 19 इनिंग में 569 रन, 63 का एवरेज है वेस्ट इंडीज़ के सामने, ठीक है। अनामुल हक 11 इनिंग में 344 रन, 31 का एवरेज। लीटन दास 7 इनिंग में 202 रन, 33.66 का एवरेज है। मुस्तफिजुर रहमान आपको दिखेंगे जो कि 13 इनिंग में 25 विकेट निकाल चुके हैं वेस्ट इंडीज़ के सामने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी मेहदी हसन मिराज जो कि 13 इनिंग में 19 विकेट निकाल चुके हैं एंड मोहम्मदुल्ला 15 इनिंग में 14 विकेट निकाल चुके हैं। अच्छा, इस सेक्शन में हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ का प्रोबेबल प्लेइंग 11 एंड हर एक प्लेयर का रीसेंट फॉर्म भी देखेंगे कि कौन काफ़ी अच्छे टच में है एंड कौन काफ़ी बुरे टच में चल रहे हैं या फिर बुरे फॉर्म से गुजर रहे हैं, ठीक है। कायल मैयर्स पिछले मैच में 10 रन बना के आउट हो गए थे, उसके पहले 55 किए हैं एंड उसके पहले 146 रन 2 विकेट्स भी निकाले हैं, तो बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से इंपॉर्टेंट होते हैं एंड जनरली ठीक ठाक मतलब 25 से 30 रन आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो एज अ सेफ पिक आप ट्राई कर सकते हैं। शे होप कितना अच्छा हिट टू हेड रिकॉर्ड रखते हैं एंड जो बांग्लादेश के अगेंस्ट इनका एवरेज लगभग 70 प्लस है, बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। हालांकि लास्ट मैच में 0 पे आउट हो गए थे, यहाँ पे 21 किए हैं, यहाँ पे 4 127 भी है और 2 119 का नॉक भी खेले हैं, ठीक है। शमारा ब्रुक्स लास्ट 10 मैचेस में कैसा किए हैं, 33 किए हैं, उसके बाद 12 0 18 42 70 ऐसा कुछ किए हैं, 101 भी है, ठीक है। निकोलस पुरान टीम के कैप्टन हैं, लास्ट 10 मैचेस में 18 रन्स 1 विकेट, 74 नॉट आउट, 34 11 रन 4 विकेट, तो रेड हॉट फॉर्म में चल रहे हैं बोथ विद बैट एंड बॉल, कभी भी बॉलिंग करने आ सकते हैं इसीलिए इंपॉर्टेंट होंगे, नंबर 4 पे बैटिंग भी करेंगे। ग्रैंड लीग के प्लेयर आपके लिए आ जाते हैं रोवमन पावल जो कि हिट टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रखते हैं, बट पिछले 2 मैच में सिर्फ 9 और 5 रन किए हैं, उसके पहले 61 नॉट आउट, फिर 10 32 43, तो आपको लेना है कि नहीं मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, बट बैटिंग फर्स्ट में बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। ब्रेंडन किंग नीचे बैटिंग करेंगे, 8 and 7 किए हैं पिछले 2 मैच में, फिर 0 4 10, 1 57 और 1 91 आया है लास्ट 7 से 8 इनिंग अगर आप इनका उठा के देखोगे, बाकी सब सिंगल डिजिट में है। जी जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर हैं, 7 रन 1 विकेट, 23 रन, 37 रन और 2 विकेट, 12 रन 2 विकेट, थोड़ा बहुत ये बैटिंग भी कर सकते हैं, लगभग 22 से 25 रन तो आप इनसे एक्सपेक्ट कर ही सकते हो अगर बैटिंग आ जाए और ठीक ठाक बॉल्स खेलने को मिले, बट ये बॉलिंग लगभग 7 से 8 ओवर तो करेंगे ही, ठीक है। रोमारियो शेफर्ड राइट आर्म मीडियम फास्ट है, राइट हैंड बैटिंग, ज़्यादातर ये हिटिंग करते हैं नीचे आके, 15 रन और 0 विकेट लास्ट मैच में किए थे, उसके पहले 1 विकेट, फिर 3 रन 2 विकेट, 16 रन, यहाँ पे 1 रन, 25 रन 1 विकेट, ऐसा इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। अलजारी जोसेफ
अगेन रेड हॉट फॉर्म में चल रहे हैं, 3 विकेट 2 विकेट, सेफ ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन या फिर सेफ स्मॉल लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन कह लीजिए, बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। स्पेशली अगर वेस्ट इंडीज़ बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तो डेथ ओवर में डालेंगे, तब ये गुच्छे में विकेट लेके जा सकते हैं, ठीक है। अकील हुसैन एंड जेडन सेलर्स का भी रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है, बट पिछले मैच में कुछ खास नहीं किए हैं, उसके पहले भी देखेंगे एक विकेट 5 विकेट निकाले हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 3 विकेट है, तो सीलेस आपके लिए डिफरेंशियल पिक बन सकते हैं। अकील हुसैन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, ये भी काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं, 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, 60 रन्स, 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 4 विकेट 2 विकेट, तो काफ़ी कंसिस्टेंट ये भी रहे हैं, अंडररेट नहीं करना है। बेंच में आपको 3 प्लेयर दिख जाएंगे, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है कीमो पॉल, जो कि काफ़ी अच्छा बैटिंग कर लेते हैं, प्लस वर्सेस बांग्लादेश हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका काफ़ी अच्छा है, तो ऐसा कुछ परफॉर्मेंस आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 21 रन 2 विकेट, 20 रन और 6 विकेट 2 विकेट, 17 रन 1 विकेट, जो कि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों तरफ से हमेशा यूजफुल होते हैं। एंडरसन फिलिप आउट एंड आउट फास्ट बॉलर हैं, जो कि डेथ में डाल सकते हैं प्लस मिडिल ओवर्स में डालते हैं, ठीक है। किरण कार्टी, मुझे नहीं लगता इनको मौका मिलेगा, अगर मौका मिलता है तो ग्रैंड लीग में एज ए डिफरेंट प्लेयर ट्राई कर सकते हैं, जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं प्लस पार्ट टाइम बॉलिंग भी करते हैं, बट ये पार्ट टाइम बॉलिंग करेंगे, मेन बॉलर नहीं है, ठीक है। अच्छा, बांग्लादेश का स्क्वाड एंड प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे, उनका बैटिंग ऑर्डर देखेंगे, हर एक प्लेयर का रिसेंट फॉर्म चेकआउट करेंगे। लीटन दास के साथ तामिम इकबाल ओपनिंग करेंगे, जो कि लास्ट मैच में 33 किए हैं, उसके पहले 46, फिर 29, 22, 162, तो काफ़ी कंसिस्टेंट प्लेयर है, बिल्कुल एज अ सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन पिक आप ट्राई कर सकते हैं। लीटन दास लास्ट मैच में सिर्फ 1 रन किए थे, उसके पहले 49, फिर 5, फिर 53, मतलब एक मैच में चलते हैं दूसरे मैच में नहीं चलते हैं, उस हिसाब से तो अगर देखेंगे तो इस मैच में इनका चलना बनता है, तो ग्रैंड लीग में बिल्कुल आप ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में भी आप ट्राई कर सकते हैं। नंबर 3 पे पिछले मैच में आए थे लेफ्ट हैंड बैटर नजमुल हुसैन सांतो, जो कि 37 किए हैं, उसके पहले 26 और 42, देखिए पिछले 3 मैचेस में ठीक ठाक परफॉर्मेंस किए हैं, बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं, उसके पहले एक 17 भी है, एक 54 भी है, ठीक है। आफिफ हुसैन ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, लेफ्ट हैंड बैटर, लास्ट मैच में 9 रन, उसके पहले 50 रन 1 विकेट, 34 एंड 78, देखिए पिछले मैच के हिसाब से जज मत कीजिएगा, उसके पहले इनका काफ़ी अच्छा फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 29 भी है, 62 भी है, तो बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं आप आफिफ हुसैन का, जो कि पार्ट टाइम आपको ऑफ ब्रेक बॉलिंग करके दे सकते हैं। मोहम्मदुल्ला को तो लेना ही है, क्योंकि हिट टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लास्ट मैच में भी उन्होंने डिलीवर किया था, 41 नॉट आउट किया था, ठीक है। नूरुल हसन लास्ट मैच में 20 नॉट आउट किए हैं, ये ग्रैंड लीग के प्लेयर बन जाते हैं, अगर टॉप ऑर्डर आप छोड़ते हैं किसी ग्रैंड लीग टीम कॉम्बिनेशन में तो ही नूरुल हसन को ट्राई कीजिएगा। मेहदी हसन मिराज का भी हिट टू हेड रिकॉर्ड काफी अच्छा है, आंख बंद करके ले लेना है, और इनका रीसेंट फॉर्म भी देखिए, 3 विकेट 4 विकेट 4 विकेट, ठीक है, तो बिल्कुल आप ट्राई कीजिएगा। मुसद्दिक हुसैन ये भी पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, लास्ट मैच में 10 रन और 0 विकेट निकाले हैं, फिर 15 रन 1 विकेट, ऐसा कुछ इनका रीसेंट फॉर्म रहा है, इनके जगह तस्किन अहमद बिल्कुल खेल सकते हैं। शोरीफुल इस्लाम लास्ट मैच में 4 विकेट निकाले थे, फिर मुस्तफिजुर रहमान लास्ट मैच में 1 विकेट, उसके पहले 0-0 1 विकेट, बट ये बॉलिंग फर्स्ट करते हुए हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि मुस्तफिजुर रहमान स्पेशली वाइल बॉलिंग फर्स्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होंगे। शोरीफुल इस्लाम लास्ट मैच में 4 विकेट, उसके पहले 2 विकेट 2 विकेट, तो ये भी काफी दिमाग से बॉलिंग करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं, ठीक है। बेंच में आपको इबादत हुसैन दिखेंगे, जो कि आउट एंड आउट फास्ट बॉलर है, ग्रैंड लीग के पिक होंगे। अनमुल हक और एक बैकअप विकेट कीपर, जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, तस्किन अहमद है, जो कि लास्ट 3 मैचेस में कुछ खास नहीं किए हैं, उसके पहले 2 विकेट 5 विकेट 3 विकेट ऐसा किए हैं, ठीक है। ओके, विकेट कीपिंग सेक्शन में आएंगे, फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेंगे शे होप, जो कि लास्ट मैच में बिल्कुल डिलीवर नहीं कर पाए थे, सिर्फ 1 पॉइंट दिए थे, बट इनका हिट टू हेड रिकॉर्ड मैंने आपको बताया है वर्सेस बांग्लादेश काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल आप ग्रैंड लीग के पिक के हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। निकोलस पुरान लास्ट मैच में बैटिंग प्लस बॉलिंग जो दोनों तरफ से कंट्रीब्यूशन दिए थे, पता नहीं इस मैच में बॉलिंग करेंगे कि नहीं, शायद उनको भी नहीं पता होगा कि इस मैच में ये बॉलिंग करेंगे कि नहीं, कभी भी बॉलिंग करने आ सकते हैं, इसीलिए एज अ सेफ पिक, जो कि नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे, कैप्टन भी है, प्लस आपको बॉलिंग से पॉइंट्स देंगे, तो बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। लीटन दास एंड शाय होप सीधे सीधे आपके लिए ग्रैंड लीग के पिक बन जाते हैं, स्पेशली शे होप वाइल बैटिंग फर्स्ट आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, लीटन दास को भी आप ट्राई कर सकते हैं, जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग 34-35 का एवरेज रखते हैं वर्सेस वेस्ट इंडीज़, ठीक है। फिलहाल निकोलस पुरन के साथ जाएंगे, पहले हम बैटिंग सेक्शन एंड ऑलराउंडर सेक्शन को अच्छे से देख लेंगे कि वहां से हम कौन से प्लेयर ले सकते हैं।
है। तमीम इकबाल को तो लेना ही है, टॉप ऑर्डर में काफ़ी कंसिस्टेंट प्लेयर हैं। ब्रेंडन किंग काफ़ी नीचे बैटिंग कर रहे हैं, हम नहीं लेंगे। शमाडा ब्रुक्स वन ऑफ द कंसिस्टेंट प्लेयर रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के तरफ से, चाहे टेस्ट मैच हो चाहे वनडे मैच हो। टी20 फॉर्मेट में शायद उतना इंपॉर्टेंट ना हो, बट जितना लंबा फॉर्मेट होगा शमाडा ब्रुक्स उतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अपना विकेट फेंक के नहीं जाते, काफ़ी कंसिस्टेंट प्लेयर मुझे लगते हैं। शांतो को बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं, जो कि नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे, पिछले मैच में 37 किए थे, काफ़ी स्टेडी नॉक खेले थे। बट यहाँ पे रोवमन पावल है जो आपके लिए सीधे सीधे ग्रैंड लीग के पिक बन जाएंगे। क्यों? मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है किस तरीके का हेड टू हेड रिकॉर्ड रोवमन पावल रखते हैं। एंड आफिफ हुसैन स्पेशली अगर बांग्लादेश बैटिंग फर्स्ट करता है, ये बंदे को ट्राई कर लीजिएगा, जो कि मिडिल ऑर्डर को काफ़ी अच्छे से संभालता है, पार्ट टाइम ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी कर सकता है, रीसेंट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रहे हैं। वही अगर बांग्लादेश सेकेंड इनिंग में बैटिंग करता है, मतलब चेस करता है, आफिफ हुसैन तब उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, क्योंकि उस टाइम पर बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, समझ रहे हो। तो बाकी यही दोनों बैटर के साथ फिलहाल हम जाएंगे ऑलराउंडर सेक्शन को पहले देख लेते हैं। मोहम्मदुल्ला हमारे फर्स्ट पिक होंगे, हिट टू हेड रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, हालांकि बॉलिंग शायद उतना ना करे बट बैटिंग से काफ़ी इंपॉर्टेंट हमेशा होंगे, ठीक है। रोमारियो शेफर्ड बोथ बैट एंड बॉल आपको परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मेहदी हसन मिराज हिट टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया, रीसेंट फॉर्म भी काफ़ी बढ़िया, इसलिए हमारे टीम में होंगे। कायल मैर्स पार्ट टाइम बॉलिंग करेंगे एंड ज़्यादातर टॉप ऑर्डर में बैटिंग करके आपको कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन में चलेंगे, मुस्तफिजुर रहमान हमारे फर्स्ट पिक होंगे, स्पेशली अगर बांग्लादेश बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तब और भी इंपॉर्टेंट होंगे। अलजारी जोसेफ जो कि लास्ट मैच खेले ही नहीं थे, अगर इस मैच में खेलते हैं हमारे फर्स्ट पिक होंगे। बाकी तस्किन भी नहीं खेले थे, ताइजुल भी नहीं खेले थे। अकील हुसैन 76% सिलेक्शन होना ही चाहिए, लगभग 1 से 2 विकेट ऑन एन एवरेज हर मैच में आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी दिमाग से बॉलिंग करते हैं, बैट्समैन को ट्रैप करते हैं, इसलिए मुझे काफ़ी पसंद है। स्पेशली सेकेंड इनिंग में अगर बॉलिंग करते हैं तो अकील हुसैन मेरे टीम में हमेशा होंगे। शोरीफुल इस्लाम लास्ट मैच में 4 विकेट निकाले थे, बिल्कुल आप ट्राई कीजिए। जी मोटी 46 पॉइंट्स दिए थे पिछले मैच में, 1 विकेट निकाले थे, प्लस वो 7-10 रन कर दिए थे। बाकी नासूम अहमद मेरे इस मैच में ट्रम्प पिक होने वाले हैं, जो कि अपने कोटे का फुल ओवर्स डालेंगे, पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे प्लस मिडिल ओवर्स में डालेंगे। अगर इनको ले रहे हो ना तो वेस्ट इंडीज़ के टॉप ऑर्डर से प्लेयर्स आप छोड़िएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर पावर प्ले में विकेट निकालते हैं एंड मिडिल ओवर्स में विकेट निकालते हैं। तो अगर पावर प्ले में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आउट करेंगे सामने वाले के टॉप ऑर्डर को, तो सामने वाले के टॉप ऑर्डर से बैटर लेके आप करेंगे क्या, ठीक है। यहाँ पे और एक प्लेयर है जिनके बारे में स्पेशल मेंशन में करना चाहूँगा, जेडन सिलर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्राइक बॉलर हैं। सिलेक्शन से 12% का सीधे सीधे आपके लिए ग्रैंड लीग के पिक बन जाते हैं। एंडरसन फिलिप्स से भी ज़्यादा मैं बोलूँगा जेडन सिलर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे स्ट्राइक बॉलर हैं, 2 से 3 विकेट आराम से लेके आपको दे सकते हैं, ठीक है। दोस्तों फिलहाल के लिए हमारा स्मॉल लीग का टीम कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बना है। देखिए यहाँ पे मैंने नासूम अहमद को लिया, जो कि पावर प्ले में डालेंगे प्लस मिडिल ओवर्स में डालेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे शे होप को नहीं लिया, ठीक है। बाकी शे होप को अगर लेना चाहते हैं तो नासूम अहमद को शायद आप छोड़ सकते हैं और इन्हीं के जगह आप सीधे सीधे शे होप को ले सकते हैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ नासूम अहमद आज शे होप को आउट कर सकते हैं पावर प्ले में, तो इसीलिए मैंने शे होप को नहीं लिया और लेने का मतलब बनता भी नहीं है उस टाइम पे, ठीक है। कैप्टन वाइस के कैप्टन पिक इस मैच में मैं पिक करूंगा यहाँ से निकोलस पुरान को एज माई वाइस कैप्टन। कैप्टन मैं दूंगा यहाँ पे मेहदी हसन मिराज को, जो कि काफ़ी कंसिस्टेंटली विकेट निकाल रहे हैं वर्सेज वेस्ट इंडीज़, एंड इस पिच पे थोड़ा सा ग्रिप एंड टर्न भी है, जो कि मैं पिछले मैच में नोटिस किया। इस मैच में भी शायद आपको वही चीज़ देखने को मिले, क्योंकि सेम वेन्यू पे मैच है, सेम पिच के ऊपर ही मैच होगा, ठीक है। बाकी ये मेरा फाइनल टीम कॉम्बिनेशन नहीं है, मेरा जो फाइनल होगा मैं अपने लॉजिक के हिसाब से, जो जितना मैंने समझा मैच के रिगार्डिंग, मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे टॉस के बाद एंड डेडलाइन के ठीक 10 मिनट पहले। डेडलाइन एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एंड कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ऊपर, जो लिंक होगा उस लिंक से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी वीडियो में मैंने समझाया है उसको यूज़ करके आप खुद एक बेहतर ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन एंड स्मॉल लीग का टीम कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा होपफुली।